अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। तो चलो आज फिर से ट्राई करते हैं रेजिन इयररिंग। तो आज मैं रेजिन के साथ एक एक्सपेरिमेंट करूंगी। जैसे कि आप लोग ने देखे ही होंगे कि रेजिन के लिए अलग अलग किस्म के मोल्ड्स मिलते हैं जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जब मैं रेजिन लेने गई थी तो मैंने वहाँ पर भी बहुत सारे मोल्ड्स देखे थे, मगर वो मैंने नहीं लिए थे। एक तो उसकी हाई प्राइस की वजह से और दूसरा मेरे दिमाग में कुछ और आइडिया था। तो चलो आज वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और देखते हैं सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने ले ली है 1/2 टीस्पून हार्डनर और 1 टीस्पून रेजिन, जिसे मैंने एकदम हल्के हाथों से आइसक्रीम स्टिक की हेल्प से मिक्स कर लिया है। और जितना हल्के मैंने बोला उससे भी कई ज्यादा हल्के मिक्स करना है इसे। तो पूरे 5 मिनट रेजिन को मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दी है मिनी मिनी से स्टार्स। इसे डाल के बस मैंने थोड़ा सा ही मिक्स किया है। तो चलो वक्त आता है जो मैंने सोचा था वो करने का। और मैंने सोचा ये था कि क्या हम रेजिन को चॉकलेट मोल्ड में डालकर जमाकर इयररिंग बना सकते हैं। वैसे तो मैंने रेजिन को अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल दिया था, लेकिन मुझे डर इस बात का था कि रेजिन इसमें से निकलेगी भी या नहीं। खैर अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। इसके ऊपर अटैच करने के लिए मुझे सर्कल शेप चाहिए था, और मजे की बात तो ये है कि उसका मोल्ड भी मेरे पास नहीं था, तो ये भी मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगा के बनाया है। तो गनग्लू से मैंने इस तरीके के रिंग बना ली है जिसको टेप पर स्टिक कर दिया है और इसमें भी रेजिन डाल दी है। कभी मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये निकलेगा या नहीं। आज का इयररिंग तो पूरा एक्सपेरिमेंट पे बना है। तो फाइनली रेजिन 7-8 घंटे में ड्राई हो गई थी और बहुत ही अच्छे से मोल्ड में से निकल गई थी, जिसका शेप तो मुझे इतना प्यारा लग रहा था कि मैं तो सोच रही हूँ रेजिन मोल्ड के बजाय अब मैं चॉकलेट मोल्ड ही ले लूँ बहुत सारे, क्योंकि जितने में एक रेजिन मोल्ड आएगा उतने में तो बहुत सारे चॉकलेट मोल्ड्स आ जाएंगे। अब टाइम आता है इसे निकालने का। इसमें से नीचे से रेजिन निकल कर आपस में जुड़ गई थी। खैर ये भी इतने हार्ड नहीं होते, इसलिए मैंने इसे सीजर की हेल्प से कट कर लिया और साथ साथ ही दोनों चीज में होल भी कर दिया है। बस दोनों होल में हमने एक जंप रिंग अटैच कर देनी है जिससे ये दोनों जुड़ जाएंगे। बस फिर हमें इस सर्कल के पीछे इयररिंग बेस लगाना है, जिसके बाद हमारा ब्यूटीफुल सा इयररिंग रेडी हो जाएगा। कमेंट में जरूर बताना आपको इयररिंग कैसा लगा। अगर आपको इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स और न्यू आइडियाज देखने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना। तो मैं तो चली न्यू डिजाइन के चॉकलेट मोल्ड्स लेने के लिए। जब तक आप लोग इयररिंग सिनेमैटिक शॉर्ट्स देख लो।